देखिए, ये तो जाति पात धर्म क्षेत्र पता नहीं किन किन रूपों में ये देश पटा हुआ है। कभी देश का कभी राष्ट्र का इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आई, अवधारणा ही नहीं मूर्त रूप ले सकी। और इसीलिए पांचवी शताब्दी से और उसके मूल में हम ये बुद्ध और महावीर को मानते हैं, जिन्होंने ऐसा अहिंसा को चढ़ाया कि लोगों को कायर बना दिया। उस कायरता का हमारे यहाँ अहिंसा का की अवधारणा बहुत पहले से, वैदिक काल से, जब धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की गई तो परिभाषा तो कोई नहीं दे पाया, लेकिन लक्षण बताए गए। कहा दया, दया धर्म को मूल है, ऐसा तो गोस्वामी ने लिखा। दया किसके अंतस्थल में उभरेगी, जो अहिंसक होगा। और उसके बाद सत्य है, अचौर्य है, दुनिया भर के गिना डाले, लेकिन क्या हमारे अंदर दया है? जब देखो तो अपने भाई को मार डालते हैं, बीवी को मार डालते हैं, बच्चे को मार डालते हैं। ये आज भी हो रहा है। तो कहते हैं कि 70-72% हम शिक्षित हो गए हैं, 70-72% शिक्षित हो गए हैं। तो पहला जो आक्रमण हो रहा है वो डेरियस का, दारा महान का, ईरान से हो रहा है, लतियाते हुए पूरा पाकिस्तान पे कब्जा, तक्षशिला वगैरह। और उसके बाद सिकंदर महान आ जाते हैं, जो लतियाते हुए उसी क्षेत्र तक रह जाते हैं, पाकिस्तान तक। और हमको पढ़ाया जाता है कि भारत पर आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया? भारत पर। अरे भाई, जब 47 में सब बढ़ गया तो पाकिस्तान पर आक्रमण किया, भारत पर हमको क्यों जो है हीनता की ओर ले जाते हो, क्यों पढ़ाते हो इसको? पाकिस्तान पर आक्रमण किया। वरना अशोक के समय में हम जानते हैं कि भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के आगे ईरान तक थी। 1862 या 63 में अफगानिस्तान अलग हुआ, किसने अलग किया? उसके बाद 47 में पाकिस्तान को किसने अलग किया? और मजे की बात तो यह है कि जरा इतिहास को पढ़िए ना, जब देश आजाद हो रहा था तो बलूचिस्तान कह रहा था कि भैया हम इधर आएंगे, सीमांत गांधी का प्रयास आप जानते हैं, लेकिन नेहरू और गांधी ने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? कहा पाकिस्तान के साथ जाओ। और नेहरू तो बैठे हुए थे कि हैदराबाद को पाकिस्तान को दे दो, भला हो पटेल का कि एक दक्षिण में पाकिस्तान नहीं बना। 45 में नेहरू को किसने कहा? उनके खानदान की प्रॉपर्टी थी क्या कि मणिपुर के लाखों एकड़ जमीन जो है वो बर्मा को आपने दे दिया? उसी 48 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा भैया हम भारत के साथ मिला लो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम वहीं रहो, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। फिर उनकी पुत्री को क्या जरूरत थी कि सिक्किम को भारत के साथ मिला लेती? क्या हमने और आपने कभी विरोध किया नेहरू का? क्या जब कौन से भाग्य विधाता की बात कर रहे हैं भाई? अगर हम हैं तो हम जात पात में क्यों बटे हुए हैं? देखिए, मिश्र जी ने बहुत अच्छा हमारा ध्यान आकर्षित किया। वैदिक साहित्य में जात का उल्लेख नहीं है, सही इसलिए नहीं है कि वो सर्वमान्य था। वर्ण वहां पर पहली बार आता है दशम मंडल में, इसलिए आता है कि पहली बार वो व्यवस्था दी जा रही है लोगों को एक ग्रुप में पेशे के आधार पर, ब्री विरणोत, पेशा चुनने से, व्यवसाय चुनने से था। सबसे पहले जाति आती है और पढ़ाया क्या जाता है हमको कि सबसे पहले वर्ण आता है? नहीं, जन धातु से जाति शब्द की उत्पत्ति है। बच्चा पैदा होता है तो माँ को पहचानता है, फिर दादी को, पहले तो दादी को पहचानता था, आजकल तो पापा जी को पहचानता है। पहले जो है माँ को पहचान रहा है, फिर पिताजी को पहचान रहा है। ये हुआ समूह, लोग समूहबद्ध रहते थे, तो जाति पहले है और वर्ण चुनने का कार्य जो है बाद में होता है, जैसा मिश्रा जी ने बताया, सबके लिए खुला हुआ था। अब आप किसी लठ भाजने वाले को पढ़ने का काम दे देंगे, जैसा आजकल हो रहा है, नहीं पढ़ाएगा। 90 के बाद क्या हुआ विश्वविद्यालयों में? जो पढ़ाने लिखाने वाले थे उन्होंने भी पढ़ाना बंद कर दिया। कहा छोड़ो भाई, जब वो नहीं पढ़ाता है, तनख्वाह लेके जाता है, तो हमने कोई ठेका ले रखा है क्या? ये जो वर्ण है ब्राह्मण, आप ये बताइए कि भरद्वाज जी को सुना है कि कुछ लोग बड़ा गाली दे रहे हैं,
कि नहीं इनकी मूर्ति खड़ी होनी चाहिए, ये ब्राह्मण की नहीं खड़ी होनी चाहिए। अरे भैया, तो वाल्मीकि भी तो ब्राह्मण थे, जिनको पहले चोर डकैत रक्त पिपास हिंसक मध्यकाल में सिद्ध किया गया और बाद में स्वीपर क्लास में डाल दिया गया। जरा सा पढ़िए तो पुराने ग्रंथों को, हमने थोड़ी बनाया है यार। एक ब्राह्मण को आपने स्वीपर क्लास में डाल दिया, उसके लिए एक शब्द था भंगी। अगर आप कह दीजिए उसको तो हाई कोर्ट जो है आपको सजा कर देगी, साहब आपने भंगी कर दिया। लेकिन एक ब्राह्मण को भवनवा कहकर के बुलाते रहिए, उस पर सारा जातिवाद का कोई मुकदमा नहीं बनता है। अरे भंगी कौन था? वह था जिसका मान भंग हो गया, मान भंगी, मान जो है साइलेंट हो गया, भंगी रह गया। किसने किया ये मान भंग? ब्राह्मण ने किया। हर चीज को ब्राह्मण कर देता है, ब्राह्मण ने तो नहीं किया भाई। ये तो जब अरब आए, तुर्क आए, उन्होंने किया। उन्हीं को जरूरत थी घर में विष्ठा को उठवाने की, ओपन में नहीं जा सकते थे, जिसको हम दिव्य निपटान कहते हैं काशी में, खुले में शौच वो नहीं कर सकते थे। और एक ऐसा ये अवसर होता है सुबह और शाम हम और आपके साथ में, जब आप हथियार लेकर नहीं जा सकते, या चार लोग खड़े रहे आप नहीं कर सकते हैं, कुछ ही बहया होंगे जो शायद दिव्य निपटान कर सकते हैं, वो कमरे में करते थे। आजकल की तरह टॉयलेट थोड़ी होते थे, प्लस लैट्रिन और ये सब, वो किसको ले आए? हम ही और आपको मान भंग करके और टट्टी उठवाते रहे, उधर नहीं सोचते हैं कि किसने हमारे साथ ये किया। कहा सब तो ब्राह्मणों ने कर दिया भाई, व्यवस्था तो उन्होंने बनाया। इतने ब्राह्मण आगे थे तो वो जाकर के सबको सिखा देते थे। एक ने कहा कि सर मनुस्मृति भी तो ब्राह्मणों ने बनाया। हमने कहा यार यहाँ पढ़ा करो, वन तो छत्री थे। तो कहा सर तो ब्राह्मणों ने ही उनसे ऐसा लिखवाया होगा। तो हमने कहा छत्री इतने बेवकूफ थे क्या? अगर उस समय थे तो आज क्यों नहीं हमारे कहने से कर देते हो? कोई जाति मेरे कहने से क्यों नहीं कर दे रही? क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? अरे यमिक में आ गए हो और तुम डिग्री भी लेके चले जाओगे। देखिए जातियां रहेंगी और हर जात का अपना एक संस्कार है। पूरे देश में आप, मैं जब श्रीनगर तो नहीं गया लेकिन जम्मू कई बार विश्वविद्यालय में गया और गांव में भी थोड़ा जाने की कोशिश करता हूँ। केरल, तमिलनाडु, लगभग पूरा देश में घूम चुका हूँ श्रीनगर को छोड़ करके, क्योंकि भैया वहाँ कब गोली चल जाए और हम मर जाएं काहे के लिए, तो मैं जाता ही नहीं। हर जगह पर अगर आप जाइए तो उनकी अपनी विशेषताएं हैं, कितने प्रेम से आपको, यहां तक कि आप बस्तर में जाइए ना, और उन्होंने, उनके पास तो झुग्गड़ी झोपड़ियां हैं आदिवासियों के पास, गांव के बाहर अपने बस्ती के बाहर उन्होंने पूरा एक गेस्ट हाउस बना रखा है और 24 घंटे अष्टपहर एक आदमी आपके साथ लगा रहता है कि आपको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, भोजन चाहिए, क्या चाहिए, आपको सब देगा, जाति नहीं पूछता आपका। लेकिन शादी विवाह बहुत स्ट्रिक्ट है, एक कबीला अपने ही कबीले में करेगा। जैसे हम लोग समझते हैं ना कि भाई ईसाई जी मर गए तो उस कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे, उधर ले जाओ। मुस्लिम मर गया तो कहा इस कब्रिस्तान में तुम नहीं दफना सकते, उधर ले जाओ। तो हम लोगों को लगता है कि सबको हर जगह दफना दिया जाए, नहीं। ये आज जब पढ़े लिखे लोगों में शहरों के बीच में हो रहा है तो यही व्यवस्था उस समय से चली आ रही है। तो इसी प्रकार से जैसे मिश्र जी ने कहा कि ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ और शूद्र हुआ। शूद्र का नाम बदल देने से 47-47 से दलित शब्द का पहली बार आम्बेडकर ने प्रयोग किया। ये दलित कहाँ से हो गए भाई? कौन दलित है? इसी इलाहाबाद में, मैं आपको बताऊं, इसी के बगल में फतेहपुर जिला है, धाता। 3/4 फतेहपुर जिले की जमींदारी किसकी थी? पटेल साहब लोगों की थी, धाता के गुर्मियों की। लाठी कौन बरसाता था? पंडित जी बरसाते थे क्या? पंडित जी ने भी अगर लगान नहीं दिया तो उनको भी धूप में खड़ा कर दिया जाता था, पैर वार का चलो चार डंडा भी पड़ जाते थे। वहां कौन पंडित जी और कौन पटेल जी भाई? आप श्रावस्ती में जाइए, सुहेल देव छत्री था, उसको पासी भी कहते हैं कि सुहेल देव हमारे हैं, भर भी कहते हैं मेरे हैं। तो हमने कहा यार तो फिर झगड़ा काहे का है, वो छत्री था, वो तो गाढ़ वालों के कभी सामंत थे जिनके राज्य में उत्तर कौशल था और अयोध्या फैजाबाद। अरे ये बिल्कुल फाफा मुंह से लेकर के पूरा आप चले जाइए गोंडा बारा इस तक,
लखनऊ वगैरह सब था। तो हमने कहा भाई तो झगड़ा काहे का है, फिर ब्राह्मणों को क्यों गाली देते हो, आपस में क्यों लड़ते झगड़ते हो। तो अगर सुहेल देव छत्री था तो आज आप पासी बना रहे हैं, भर बना रहे हैं। भरों की स्थिति जानते हैं आप क्या है? एक बार हमको बुलाया इसी सर इसी हिंदी ये क्या कहते हैं हिंदुस्तानी एकेडमी में, माला पहना करके शाल पहना करके बहुत गाली दिया ब्राह्मणों को। जो आवे पढ़ा लिखा डिग्रीधारी वो ब्राह्मणों को फिर डॉक्टर राम नगर से बाजी बैठे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर क्या करोगे, हमने गाली सुन रहे और क्या धैर्य के साथ सुने। अगर माला पहना है और इसकी साल भी ओढ़ा है तो कुछ दिया है ना, हमारे ले तो नहीं रहा है ना, दे रहा है। तो मैंने उनको कहा भाई मुझे जहाँ तक पता है कि भरों का गोत्र जो है भरद्वाज गोत्र है। कौन सा गोत्र है? भरद्वाज गोत्र है। तो मैंने कहा ये जरा बताओ कि किस शूद्र का गोत्र जो है वो ऋषि गोत्र है। जो मैंने कहा यार पढ़े पढ़े लिखे आदमी हो, वकील भी हो ना, अभी बहुत गाली दे रहे, बताओ। जब मैंने उनको बताया कि अथर्ववेद में भार्य कबीले का नाम आता है और यही बुद्ध के समय में छठी सात पांचवी शताब्दी में आकर के भग हो गए पाली में, और भगों का राज ये मिर्जापुर में था, मिर्जापुर सोनभद्र और चुनारगढ़ जिसको आप कहते हैं ये उनकी राजधानी थी। हमने कहा भैया आप तो छत्री थे और आपको इस स्थिति में लाने वाले मगध वाले और वत्स वाले थे, ये इतिहास है सर। अब देखिए भार्य पाली में भग और अपभ्रंश में भर हो गए, गा गायब हो गया, रह गया, वहां रह गायब था और गा रह गया। मैंने कहा अंग्रेजों के समय में तो आप सुपर पालन कर रहे थे, यही आपका आज मूल निवास क्षेत्र है, तो आप अपने कर्मों से यहां पहुंच गए। और मजे की बात यह है कि एक भर होता है दूसरा राजभर होता है, राजभर भर से नीचे है, राज लगा इसलिए बड़ा मत मानिए। मैंने कहा बताओ भाई, सबने कहा कि सर ठीक बोल रहे हैं, बाहर निकला तो सब लगे पैर छूने और कहा कि सर पुनः फिर आइएगा। हमने कहा यार कभी नहीं आएंगे क्योंकि तुम लोग बिना पढ़े लिखे जो है और इस प्रकार से प्रवचन मारते हो और लोगों को गाली देते हो।